क्या है। आज हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। सो एज यू कैन सी आई क्लासिफाइड ओटाइटिस मीडिया इनटू थ्री पार्ट्स। ओटाइटिस मीडिया को मेनली थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और यू कैन से इज अ पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया। इसके नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, जैसा मैंने बताया था एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म और पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया मेनली इसमें फर्स्ट डिस्चार्ज देखने को हमें मिल सकता है। सो इसके नाम से ही हमें पता चलना चाहिए। इट इज अ रैपिड ऑनसेट एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स रैपिड ऑनसेट मीन्स इसके साइन एंड सिम्टम्स तुरंत ही अपीयर होते हैं एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एज इट्स नेम इज एक्यूट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड पार्ट ओटाइटिस मीडिया भी हैफिजम और यू कैन से इज अ सीरियस और सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय एंटर यूस्टेशियन ट्यूब। इन अवर फर्स्ट पार्ट वी लर्न अबाउट रिलेशनशिप यूस्टेशियन ट्यूब एंड मिडल ईयर कैविटी। जो यूस्टेशियन ट्यूब हॉलो ऑर्गन होती है, जो हॉलो ट्यूब होता है वो हमारे नासल फेरेंजियल एंड में से वो एंड होती है और हमारे मिडल ईयर से वो कनेक्ट होती है। इन ओटाइटिस मीडिया वी लर्न अबाउट दैट द यूस्टेशियन ट्यूब बिकम नैरो और इनफ्लेक्ट ड्यू टू एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और हमारा मिडल ईयर से कनेक्शन क्या है वो देखना है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना। सो इसमें क्या होगा, अगर यूस्टेशियन ट्यूब एल्टर होगी, यूस्टेशियन ट्यूब का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि वो जो हमारा मिडल ईयर कैविटी है उसमें जो एयर प्रेशर है वो बैलेंस करने का काम करती है। तो क्या होगा अगर वो एल्टर होगी, वो नैरो होगी, इन्फ्लेम्ड होगी, तो क्या होगा कि जो बाहर का प्रेशर है मिडल ईयर कैविटी है उससे बाहर का प्रेशर वो एकदम से टू हाई होता है तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है तो वो क्या होगी, पस फॉर्मेशन होगा और वहां पर वो पस है वो ऐसे स्टॉक हो जाएगा। सो इसको हम ग्लू ईयर कंडीशन भी बोलते हैं, ग्लू लाइक कंडीशन, जो पस होता है वो ग्लू जैसे स्टक हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज थर्ड पार्ट क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और यू कैन से इज अ क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। दिस इज यू कैन से इट इज अ मोर सीवियर कंडीशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया बिकॉज इन दिस कंडीशन देयर इज अ रिस्क फॉर टिश्यू डैमेज। अगर ओटाइटिस मीडिया हील नहीं होता वो क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म तक रहता है तो क्या होगा, जो वो लाइनिंग मेम्ब्रेन है मिडल ईयर कैविटी में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, इसके टिश्यू डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है और हियरिंग लॉस मतलब डिफनेस की जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें बढ़ जाएगी। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब हम इन थ्री क्लासिफिकेशन को डिटेल्स से जानेंगे। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जैसे मैंने आगे बताया इसके नाम से ही हमें पता चलना चाहिए कि ये जो एक्यूट है मींस फॉर अ शॉर्ट टर्म। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इट्स डिटेल्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया और यू कैन से इट्स द पुरुलेंट ओटाइटिस मीडिया जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें मेनली हमें पस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर म्यूकोजा। जो हमारा ये जो मिडल ईयर है लाइक जैसे कि सीरियस स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर, सो इसमें हमारा जो मिडल ईयर कैविटी है उसमें एक लाइनिंग मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं हम मिडल ईयर म्यूकोजा। सो क्या होगा इसमें, अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी तो वो मिडल ईयर म्यूकोजा वो इन्फ्लाम्ड होगा बट वो शॉर्ट टर्म तक ही रहेगा बिकॉज इट इज एक्यूट। सो व्हाट आर द कॉजेस, सो देयर आर सम कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। सो द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज इज अ बैक्टीरिया लाइक निमोकोकस स्पीशीज एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड वायरस लाइक रिनो वायरस इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रिनोरिया बिकॉज वी आर नो द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड अवर मिडल ईयर इन्फेक्शन। सो द रिस्क फैक्टर एज आई से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देन द सेकेंड वन इज द एल्डर इम्यूनिटी, then young age as I said is most common in children, then tumor of nose and nasopharynx because our eustachian tube is connected to nasopharyngeal end, and vitamin A, zinc and iron deficiency, cleft palate and Down syndrome is most common in children because इस condition में जो bacteria spreading के chances है वो ज्यादा।
सबके रिजल्ट हमने फर्स्ट पार्ट के डिटेल में देखे थे। सो नाउ इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ओटाइटिस मीडिया की ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी बताई थी, जस्ट लाइक दैट क्या होगा कि ये जो मिडल ईयर कैविटी है, इधर आप देख सकते हो ये मिडल ईयर कैविटी है, उसमें क्या होगा कि जो हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है उसमें क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगा मिडल ईयर कैविटी में। इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी। कैसे, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो हमारे WBC सेल है वो अगर इन्फ्लामेशन होगा तो वो क्या होगी, वो एक्टिव होगी, तो वो जो नेट सेल है वो फ्लूड अक्यूमुलेशन है वो वहां पर अक्यूमुलेट होगा, तो क्या होगा वहां पर पस फॉर्मेशन होगा। अगर पस फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि ये जो स्टेशन ट्यूब है वो एल्डर हो जाएगी, मतलब इसमें नैरो और एग्जाम होगी, ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो क्या होगा प्रेशर अंदर एकदम से बढ़ जाएगा। प्रेशर अंदर से बढ़ने के कारण क्या होगा, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो हमारा आउटर ईयर का एंड पार्ट है और हमारे मिडल ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा परफोरेट होगा, उसके अंदर हाई प्रेशर की वजह से कोल होगा। सो क्या होगा, मेनली इसमें फर्स्ट डिस्चार्ज होगा। सो इसमें मेनली हमें फर्स्ट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नाउ वी आर लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पैथोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। सो इसके टोटल 5 स्टेज है, कहने को माने इंपोर्टेंट 4 स्टेज है, अगर ही नहीं होता तो हम 5th स्टेज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टिम्पैनिक कंजेशन। एज आई सेड, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी, हमारी जो मिडल ईयर कैविटी और यूस्टेशियन ट्यूब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमारी जो ये यूस्टेशियन ट्यूब है वो नेसोफेरेंजियल एंड से कनेक्टेड, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा अगर तो नेसोफेरेंजियल एंड में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, मेनली एडेमा एंड हाइपरेमिया। एडेमा मीन्स फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपरेमिया मीन्स एक्सेस ब्लड इन द वेसल व्हिच सप्लाई द ब्लड टू पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर इन्फेक्शन होगा नेसोफेरेंजियल एंड में, ये दो कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो वाया यूस्टेशियन ट्यूब वो इन्फेक्शन हमारी जो मिडल ईयर कैविटी है वहां पर स्प्रेड होगा। अगर स्प्रेड होगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बिगिन होगी, और फिर क्या होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कंजेस्ट होगी, वहां पर क्या हो जाएगा कि प्रेशर एकदम से हाई हो जाएगा, और इन्फेक्शन होने के कारण वो वहां पर जो फ्लूड अक्यूमुलेट है वो पस फॉर्मेशन होगा, वो वहां पर स्टक हो जाएगा। तो पेशेंट को मेनली क्या फील होता है, फुलनेस ऑफ ईयर और पेन होता है, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस इन दिस बिकॉज एज इट इज अ फर्स्ट स्टेज। देन स्टेज ऑफ प्री सुपुरेशन, इसमें क्या होगा कि पस फॉर्मेशन का स्टार्ट होना शुरू होगा, क्या होगा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होगी, जैसे जैसे पस फॉर्मेशन जाता है, जो हमारा मैस्टॉइड होता है वो स्कल का मीन्स हमारा जो होली स्कल है
एंड सेकंड वन इज अ कंडक्टिव डिसनेस हियरिंग लॉस देन कैन बी जस्टमेंट रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर देन मास्कुलर टेंडरनेस एज आई टोल्ड यू इन्फेक्शन अगर मास्कुलर बोन तक वहां पर ज्यादा पहुंचता है तो क्या होगा वो पार्ट उसको इंजाम करेगा और उसकी टेंडरनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे देन सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर सो देयर आर सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सो द फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री कलेक्शन फिजिशियन आपकी हिस्ट्री लेगा कि आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कोई ईयर पेन है पहले से ये आपकी हिस्ट्री लेगा देन फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जो ऑटोस्कोप होता है वो फिजिशियन उससे आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो विजुअलाइज करते हैं कि मिडल ईयर में आपको कितना मतलब कि कैसे इन्फेक्शन कितनी सिवियरिटी में है थ्रू द पास्ट टेंस जो पास्ट टेंस है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का देन देयर आर सम लेबोरेटरी स्टडीज देन इमेजिंग स्टडीज लाइक सीटी स्कैन टू डिटरमाइन कॉम्प्लिकेशन देन एमआरआई टू डायग्नोस सस्पेक्टेड इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन देन देयर आर ऑडियोमेट्री इट इज द मोस्ट कॉमन टू डिटरमाइन हियरिंग लॉस एंड देयर सम रेडियोग्राफी और सीटी स्कैन ऑफ मैस्कुलर एक्साइड अगर इन्फेक्शन मैस्कुलर बोन में पहुंच जाता है सो उसके लिए सो नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स मैनेजमेंट नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हम ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं सो द फर्स्ट वन इज मेडिकल मैनेजमेंट इस कंसिस्ट अ सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक इज यूज टू ट्रीट सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं सम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स लाइक एमोक्सिसिलिन देन सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक्स like beta-lactamase inhibitor. It is a 5-day treatment. Then there are some nasal decongestant. It is a systematic and topicals. Act as to reduce the swelling of the mucous membrane in the nose and back of the throat and especially used to clear eustachian tube and allow mucus to drain from the middle ear. And there are some H1 antihistamine. There are some analgesic antipyretics to treat pain like ibuprofen, acetaminophen or narcotics. There are some topical agents also. Oral toilet for ear discharge, hot fermentation for severe earache and review after 48 hours. After treatment, there is a evaluation of patient after 48 hours. Now, moving forward is surgical management. So, the first one is tympanosynthesis. As you can see in a picture, tympanosynthesis is a diagnostic procedure done without anesthesia. Sterilization of ear canal with isopropyl alcohol or povidine iodine solution means betadine. Insert a needle through the anterior inferior or posterior inferior portion of tympanic membrane and aspirate the content of the middle ear into a sterile tap for identification of microbes and their properties. Now, next moving forward another myringotomy. So, there are some indication ye procedure kyu karte hain. Agar symptoms antibiotics se reveal nahi ho pa rahe हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज कर रही है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज टू स्मॉल इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन एंड परसिस्टेंट एफ्यूजन बियॉन्ड 12 वीक्स अगर ट्रीट नहीं हो रहा है पस फॉर्मेशन कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग में है तो ये प्रोसीजर करते हैं एज यू कैन सी इन अ पिक्चर अ प्रोसीजर इन विच क्रिएटिंग अ स्मॉल होल इन द ईयर ड्रम टू ड्रेन आउट द फ्लूड फॉर द एग्जाम्पल वाटर blood or any kind of pus. Placing tympanostomy tubes to equalize pressure just because of हमारी जो eustachian tube है वो इन obstruct हो चुकी है तो क्या होगा उसको functioning करने के लिए उसका main function है ear में air pressure balance बनाने का तो क्या करेंगी जो tympanostomy tubes है वो क्या करेगी जो हमारा balance है वो बनाए रखेगी इसका purpose क्या है To restore hearing loss caused by chronic fluid buildup and to prevent delayed speech development caused by hearing loss in children. And there are some instrument used in this. There is some microalligators forceps or any kind of suction tip you can say and instilling antibiotics drop and suctioning.
So here it is a main management of acute otitis media. Okay, so now we are ending our second part of otitis media. In this part we learn about classification of otitis media and the whole clinical condition of acute otitis media. Now we are moving forward to its third part, and till then if you have any suggestions